हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्मार्ट स्टडी ग्रुप। तो आज हम देखने वाले हैं एग्जामपुर, रोजगार वित्त अंकित और रैंक आईक्यू, इन तीनों के बेस पे जो कट ऑफ है वो कितनी बनेगी। फाइनल कट ऑफ हम देखेंगे और इन तीनों ने कितनी कितनी कट ऑफ बनाई है, ठीक है। तो इन सभी का हम कंपेरिजन भी करेंगे, ठीक है। तो किसकी कट ऑफ बिल्कुल सही जाने वाली है, तो सारी चीज़ें हम जो हैं देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि UPSI में टोटल जो पोस्ट थी, टोटल जो पद थे वो 9534 थे, जिसमें कि SI सब इंस्पेक्टर के जो पद थे, जो कि सिविल पुलिस है उसमें 9027 पद थे, और जो प्लाटून कमांडर है उसके 484 पद थे, ठीक है। और जो फायर ऑफिसर था उनके जो पद थे वो 223 पद थे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने अपनी प्रेफरेंस भरी होगी उसी के आधार पर आपको पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। तो आज हम इन सभी टीचर्स के कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। रैंक आईक्यू का प्रेडिक्शन रहा है, रोजगार विद अंकित का, एग्जामपुर का। तो हम सारी कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन सभी की कट ऑफ देखेंगे, मेल फीमेल सभी की हम कट ऑफ देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम कंपैरिजन करेंगे। एग्जामपुर होगा इसमें पहले, दूसरे नंबर पे होगा रोजगार विद अंकित, और तीसरे नंबर पे होगा रैंक आईक्यू, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल की कट ऑफ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको मेल की कट ऑफ बताऊंगा और फीमेल की कट ऑफ, दोनों की कट ऑफ मैं एक साथ बता चलूँगा। जो एग्जामपुर ने प्रेडिक्शन करा है वो करा है लगभग 110 के प्लस आपके कट ऑफ जाने का, मतलब 105 से इन्होंने प्रेडिक्शन करा था, 105 से 110 के करीब इन्होंने प्रेडिक्शन करा है, जो कि जनरल मेल के लिए करा है। और जो फीमेल के लिए इन्होंने प्रेडिक्शन करा है एग्जामपुर वालों ने, वो करा है आपका 100 नंबर। यदि 100 नंबर फीमेल में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और रोजगार विद अंकित ने, ठीक है, जो रोजगार विद अंकित चैनल है उन्होंने जो प्रेडिक्शन करा है वो आपका करा है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल में उनके 114 से 120 तक यदि आपके नंबर बनेंगे तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। और जो इन्होंने फीमेल का प्रेडिक्शन करा है वो आपका लगभग यदि 98 से यदि आपके 107 के बीच में नंबर बन रहे हैं, फीमेल यदि आप कैटेगरी हो, ठीक है, जनरल में फीमेल कैटेगरी, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में दोस्तों रहोगे, ठीक है। और रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग 110 से 112 के बीच में ही इनका प्रेडिक्शन है, क्वेश्चंस का प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नंबर आप अपने कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अब हम देखते हैं EWS कैंडिडेट के बारे में, ठीक है। तो EWS का इनका प्रेडिक्शन है 102 से एग्जामपुर का 102 से 105 के बीच में इनका प्रेडिक्शन है, और ये कि मेल कैंडिडेट्स का है, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं EWS में उनका जो प्रेडिक्शन है वो 100 ही है इनका भी, ठीक है, मतलब जनरल और फीमेल मतलब इतना 100 ही रहने वाला है इनके अकॉर्डिंग, एग्जामपुर के अकॉर्डिंग। और आपके जो रोजगार विद अंकित हैं उनके जो अकॉर्डिंग जो मेल की कट ऑफ है वो लगभग 110 से 115 के बीच में रहने वाली है, किसकी बता रहा हूँ मैं, EWS कैंडिडेट की। और जो फीमेल है इनमें EWS कैंडिडेट में उनकी कट ऑफ 90 से 99 के बीच में इन्होंने प्रेडिक्शन करा है, और रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग इनकी कट ऑफ भी लगभग एग्जामपुर के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है, और फीमेल की लगभग 100 प्लस इनकी रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं OBC कैंडिडेट की। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे, सबसे पहले हमारा था एग्जामपुर सर, ठीक है, एग्जामपुर, और रोजगार विद अंकित, और यहाँ देख रहे थे हम रैंक आईक्यू, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे थे, जनरल की, हमने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देख ली है, और अब हम देखने वाले हैं OBC कैंडिडेट की कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में मैं आपको बिल्कुल फाइनल कट ऑफ बताऊंगा आपको कि इतने यदि आपके क्वेश्चन सही होंगे जनरल कैटेगरी और EWS, इन सभी तीनों का मिक्सचर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यदि आपके इतने नंबर बनेंगे तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे, और अपने अपने नंबर आपको क्या करने हैं, कमेंट कर देने हैं, ठीक है दोस्तों। मेल कैंडिडेट्स की 102 से 105 के बीच में रहने वाले हैं एग्जामपुर के अकॉर्डिंग, और फीमेल भी इनका अकॉर्डिंग वही 98 या 100 के बीच में इनकी रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। और OBC जो मेल कैंडिडेट्स हैं इन्होंने बताया है 112 से 117 के बीच में इन्होंने बताया है रोजगार विद अंकित चैनल ने OBC कैंडिडेट की कट ऑफ, और जो फीमेल कैटेगरी है उनकी कट ऑफ इन्होंने बताई है 95 से 102 के बीच में, ठीक है।
और इनकी जो कट ऑफ है रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग, वो आपकी कट ऑफ लगभग 105 के करीब रहने वाली है जो कि ओबीसी है। और फीमेल की कट ऑफ भी इन्होंने 100 ही बताई है, 98 से 100 के बीच में इनका प्रडिक्शन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे एस सी कैंडिडेट का, और मैं बता देता हूँ आपको, आप अपना रनिंग की तैयारी करते रहिए क्योंकि जल्द ही आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे थे यहाँ एग्जामपुर और रोजगार विद अंकित रैंक आईक्यू, तो चलिए दोस्तों देखने वाले हैं हम एस सी कैंडिडेट की कट ऑफ। तो एस सी कैंडिडेट तो हम पहले देखेंगे मेल की कट ऑफ, ठीक है, तो एग्जामपुर रोजगार विद अंकित और स्टडी आईक्यू के अकॉर्डिंग। तो जो मेल की कट ऑफ है वो लगभग इन्होंने एग्जामपुर ने प्रिडिक्शन करी है एस सी कैंडिडेट की, 90 यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं और तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। और फीमेल का इन्होंने प्रिडिक्शन करा है 85 प्लस, ठीक है, और रोजगार विद अंकित चैनल के अकॉर्डिंग इनका जो कट ऑफ है लगभग जो एस सी कैंडिडेट हैं, जो मेल कैंडिडेट की उतारों पहले 98 से 102 के बीच में इनका रहने वाला है। ठीक है, और इन्होंने फीमेल का प्रिडिक्शन करा है 85 से 90 के बीच में। ठीक है, और रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग इनकी 100 के करीब रहने वाली है एस सी की कट ऑफ। ठीक है, 98 से 100 के बीच में इन्होंने प्रिडिक्शन करा है। ठीक है दोस्तों, 98 से 100 के बीच में। और नेक्स्ट देखते हैं हम फीमेल का, तो अब हम देखने वाले हैं फीमेल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग जो फीमेल की कट ऑफ इन्होंने बताई है वो इन तीनों के अकॉर्डिंग वो फीमेल की कट ऑफ 85 ही रहने वाली है। ठीक है, तो फीमेल की कट ऑफ लगभग इन्होंने सही सही प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं एसटी कैंडिडेट के बारे में, तो जैसे कि हम एग्जामपुर देख रहे थे, फिर हम देख रहे थे रोजगार विद अंकित, फिर देख रहे थे रैंक आईक्यू। ठीक है दोस्तों, तो एसटी की कट ऑफ जो है मेल की कट ऑफ यदि 80 प्लस या आपके नंबर बन रहे हैं, मतलब क्वालिफाइंग पे ही इन्होंने बता दिया है कि यदि आपके क्वालिफाई कर रहे हो अभी सब सब्जेक्ट में तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, मेल है और फीमेल है, और इनके अकॉर्डिंग जो एसटी की कट ऑफ है वो लगभग 96 से 100 के बीच में रहने वाली है, और इनके अकॉर्डिंग 85 से 90 जो कि फीमेल की रहने वाली है। और ये हमने मेल की बताई थी, और रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग भी लगभग 80 ही इन्होंने प्रिडिक्शन करा है। ठीक है, तो सेम ही है लगभग एग्जाम्पल और रैंक आईक्यू का प्रिडिक्शन, और देखते हैं अभी फाइनल कट ऑफ भी आने वाली है। ठीक है, तो वो कितनी आएगी जल्दी देखेंगे। तो एक्स सर्विस मैन का मैं बता देता हूँ, रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग सबसे पहले बताते हैं हम एग्जामपुर के अकॉर्डिंग, एग्जामपुर ने 80 प्लस आपका प्रिडिक्शन करा है, और रोजगार विद अंकित ने भी 92 से 95 के बीच में प्रिडिक्शन करा है, और रैंक आईक्यू ने भी 82 के करीब आपका प्रिडिक्शन करा है। मतलब यदि आप क्वालिफाइंग भी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहने वाले हो। ठीक है, तो बस यही है, और अब हम दिखाते हैं आपको फाइनल कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग क्या रहेगी। इन तीनों के मिक्सचर पे मैंने एक एवरेज निकाला है, उसी एवरेज पे आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से उस चीज़ को देखो, और तो हम प्रिडिक्शन करते हैं। सबसे पहले हमारे जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल में हम मेल की बात करते हैं, तो मेल में यदि आपके नंबर बन रहे हैं 110 से 115 के बीच तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो दोस्तों। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी फिजिकल की तैयारी करो और आपका चांस है फुल कि नंबर आएगा। और फीमेल में देखते हैं हम जनरल कैटेगरी में, अभी आपके 100 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट ओबीसी ईडब्ल्यूएस की देखते हैं। सबसे पहले हम ईडब्ल्यूएस में यदि हम मेल कैंडिडेट में हो तो आपके यदि 102 से यदि आपके 100 नंबर बन रहे हैं ना, 100 प्लस दोस्तों, तो आप बिल्कुल तैयारी करो ईडब्ल्यूएस में। और फीमेल की मैं बात करता हूँ, 90 प्लस यदि आपके बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस में तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, अपनी तैयारी जारी रखो। तो ई डब्ल्यू एस में 98 से भी देख सकते हैं, 98 से 100 के बीच में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम देखते हैं ओबीसी कैंडिडेट के, ओबीसी के हमने, ठीक है, ओबीसी के बारे में देखते हैं। तो ओबीसी की लगभग इतनी रहने वाली है 102 से 105 के बीच में। ठीक है, मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की 100 के नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, 98 से 100 तक आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे ओबीसी कैंडिडेट। ठीक है, और गर्ल्स लगभग क्वालिफाइंग पे भी पास होने की उम्मीद है उनके, और एससी में तो बहुत ही कम चांस, बहुत ही कम जाने की चांस है कट ऑफ। ठीक है, 90 प्लस यदि आपके नंबर बन रहे हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल तैयारी करिए मेल कैंडिडेट में, और फीमेल कैंडिडेट में यदि आप क्वालिफाई भी कर रहे हो ठीक है तो भी आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। ठीक है, 80 से 85 के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये मैं नंबर बता रहा हूँ, और अपने मार्क्स जो है आप कैलकुलेट कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको।
और एसटी कैंडिडेट के बारे में हम देखते हैं। 80 यदि आपके बनेंगे तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे मेल कैंडिडेट्स, और 80 यदि आपके फीमेल कैटेगरी में हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहने वाले हो। नेक्स्ट देखते हैं हम ई एक्स सर्विसमैन के बारे में, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है, यदि आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज जो 35% का क्राइटेरिया है यदि आपने उसे क्वालिफाई करा है तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, और 50% का क्राइटेरिया यदि आपने क्वालिफाई करा है तो आप बिल्कुल सेफ हो, तो इतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो ये मैंने नंबर बताए हैं, क्वेश्चन बताए हैं, तो यदि और उसके बाद आपको नंबर अपना कैलकुलेट कर लेना, इतनी आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। और जल्दी आपका रिजल्ट भी आने वाला है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर रिजल्ट के टाइम पे, क्या रहेगा रिजल्ट, ठीक है। चलो थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।